हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और मैं तो थोड़ी लेट उठी, बट सना स्कूल जा चुकी है, उसका स्पोर्ट्स डे है तो उसकी आज प्रैक्टिस थी। पता नहीं खांसी वूंसी भी कर ही रही थी। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, परमीश वर्मा का आज कॉन्सर्ट नहीं है, वो फेस्ट हो रहे हैं कॉलेजेस में ना, तो मैं उसके लिए डाइसी हूँ कि जाऊं कि नहीं जाऊं। ये भी मुझे कम इंटरेस्टेड ही लग रहा है, पर ना मिस्ट्री मैन बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। या तो फेवरेट गाने गाली करनी उनका फेवरेट है, और वो ना लुक बियर्ड भी थोड़ी लुक है। अब आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं, परमीश वर्मा को जाके देखिए, वैसे ही लगते हैं थोड़े थोड़े। तो अब रश भी बहुत होगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कुणाल तो मतलब मना कर रहा है, कुणाल इनडायरेक्टली मना कर रहा है कि बहुत रश होगा, आप कैसे मैनेज करोगे। और मुझे भी लग रहा है, एक बार ही लग रहा है बच्चों को भेज दूं, बट सना को मैं ऐसे अकेले भेजना मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं, वो लेके भी नहीं जाएगा। और ऋषभ से मैं बोल चुकी हूँ, पास का हाँ कर चुकी हूँ, वो अपने स्टाफ के पासेस ले चुका है। अभी देखते हैं, कुछ नहीं पता। क्रेजी फैम आपको पता है एंड तक डाइसी रहती है, देखेंगे क्या करेंगे, जो बेस्ट होगा वही करेंगे, है ना। तो मिस्ट्री मैन अभी ऋषभ से बात करेंगे कि इतना रश होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर एक दिल कर रहा है कि जाए और जाके वापस आ जाए, नहीं समझ आएगा तो वापस आ जाएंगे, कुछ खा पी के क्या कहता है, ये तो कर सकते हैं। हमने कौन सा वो साड़ी वाड़ी पहन के जाना है, मीटअप में किया था, जैसे मीटअप पे गए थे हाँ तुम लोग, ट्रिगर्ड इंसान के मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कई बार होता है अच्छा स्पॉट मिल जाता है, रश कम होता है, है? तो क्रेजी फैम देखते हैं क्या करेंगे। अभी सना आती है तो मिलते हैं, और अगर जाना हुआ तो उसको सुलाऊंगी दोपहर को, और इसका तो प्री बोर्ड्स है ही, तो इसको भी खूब सारी विशेष दीजिए। तो बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए, जो जो करेंगे दिखाएंगे आप। शौर्य के सर आ गए हैं, हम लोग बैठे हैं। एक होता है ना कि सेफ्टी के लिए उसको पहले पढ़वा देते हैं, देखेंगे शाम का, क्योंकि पढ़ाई अपनी खत्म कर दे तभी जा पाएगा हमारे साथ। और आज है हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है अस्मिता प्रभाकर, उसका बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे अस्मिता, थैंक यू सो मच। बच्चे आप इतना प्यार करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, ऐसे लगता है वो तो मतलब कि एक वो होता है ना कि आपके फैमिली का ही एक हिस्सा है। yes. जो कहीं और है, जैसे आप मिले नहीं हो, वर्चुअली मिलते हो बट स्टिल उतने कनेक्टेड हो, तो बहुत भगवान बहुत खुशियां दे तुम्हें। तो चलिए अब करते हैं खाने में। डॉली भाभी ने भेजा राजमा, अस्मिता के बर्थडे की पार्टी हम ऐसे करते हैं, राजमा है और मैंने गोभी की परांठी, शौर्य बोल रहा था तो सना तो खाती नहीं, सना राजमा खाएगी, शौर्य गोभी की परांठी खाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी भी मैं डाइसी चल रहा दिमाग में, शौर्य भी देखते हैं क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं पता। ये गोभी की पराठी बन रही है, मिस्ट्री मैन नमक डाल रहे हैं, नमक में अपना काम कर रहे हैं, परफेक्शन नहीं है, मैं जानबूझ कर डलवाती हुई है। नहीं 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 क्रेजी फैम, वो इतने बिजी थे उनको बीच में से ढाके गए कि इसमें नमक तेज होगा कम होगा ना, तो उसमें मेरा रोल खत्म हो जाता है। अगर ये घर होते हैं तो इनके साथ अगर अपने हाथ से तेज भी खा लेंगे, मेरे हाथ का परफेक्ट भी इनको लगेगा ठीक नहीं है। आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं आपको पता है? परमीश वर्मा के शो में। कौन से मिलना है? और ये हमें थोड़ा रश से लग रहा है, मैं तो जाऊंगी, मैं चल यार बच्चों के लिए जाना तो पड़ता ही है, चलते हैं। लंच सना तो आते ही लंच करने बैठ गई है, बहुत टेस्टी है, शौर्य खा रहे गोभी की परांठी, फैम चाची भी खा रही है गोभी की परांठी, मस्त बहुत बढ़िया बनाती है मैं तो खाना। और डिसीजन हो चुका है, जाके देखते हैं, ट्राई मारते हैं, जैसा सही लगे, चुका नहीं समझ आएगा वापस आ जाएंगे। रेडी फैम, आज है गुरदीप मासी की एनिवर्सरी, सब विश कर दो कमेंट में, हैप्पी एनिवर्सरी, वो बोल दे हेलो क्रेजी फैम कर दे, हेलो क्रेजी फैम, कितने हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू सना, कितने साल हो गए? 22 साल, 25 साल, फिर परफॉर्मेंस देनी है। क्रेजी फैम फटाफट रेडी हो रहे हैं क्योंकि शायद एंट्री बंद होने वाली है, ऋषभ का कॉल एंट्री बंद हो चुकी है ऑलरेडी 2 बजे, वो तो ऋषभ हमारा है भाई जो अभी, हमें पर ऋषभ का अभी भी कॉल आया कि थोड़ा जल्दी, हम उसको कह रहे थे 7 चलते हैं 8 चलते हैं, ऐसा नहीं होता ना, आउट ऑफ द वे जाके कितना ही करा लेगा कोई। yes. वो कह रहा चलो, वो भी रुका हुआ है हमारी वजह से, फटाफट वो कह रहा 6 बजे तक रेडी होते हैं। और शौर्य नहीं जा रहा क्योंकि उसको पढ़ाई करनी थी, तो मुझे भी लगा डिस्टर्ब करना, इसे कहते लेकिन डेडिकेशन, हाँ तो अब वो मामी हाउस गया है, वहां पढ़ेगा क्योंकि कुणाल का कमरा खाली है, वहां पे चुपचाप पड़ेगा और फिर जब आएंगे तो उसको ले आते हैं उसको, और वहां पे भी चौकी है तो उधर भी थोड़ी देर अटेंड करेंगे, हां थोड़ी देर मत्था टेक लेगा ना। चलिए क्रेजी फैम अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सारे ब्लैक है, सारे ब्लैक में, मिस्ट्री मैन भी ब्लैक में, और आज मुझे लग रहा है परमीश वर्मा भी, परमीश वर्मा जी भी अच्छे कपड़ों में ही होंगे, उनके तो होंगे ब्लैक में हो तो मजा आ जाएगा ना, चलो देखते हैं। और मयंक मेरा जो फ्रेंड है वो पहुंच चुका है उधर, वो भी आ रहा है, मिल गया है ऋषभ, यही है हमारा करता धरता जो हमें अंदर लेके जाएगा, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है, इसका भला करे हमें तो पता भी नहीं था, इसी ने खुद, ये देखो ये लोग बाहर खड़े हैं, हर गेट पे सब बाहर खड़े हैं, लेकिन बस जाके देखते हैं, ऋषभ पाजी हमें एंट्री दिलवाएंगे अभी, चाची
किसी को वाइफ बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छी वाइफ आ रही है सबको, सना सबको लग रहा है मैं टीचर हूँ। इसी मैम ये भी आ चुकी है निशिता। यस सब 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 बेजी नंबर मिल शर्मा आए ना, लेकिन फोटोज नहीं रुकनी चाहिए। निशिता आ जाए वहाँ पिक्चर कितना ऐसा हो नहीं सकता। जिस फंक्शन में साथ होती है वहाँ कम से कम ये तो 100 से 200 पिक्चर खींचने वाला ये होता है। अब कुछ खा ले। यस चलो दीदी मैम वहीं आ गई है खाने की जगह पे। वेलकम टू इनिशियो इनिशियो, लेकिन परमीश वर्मा जी ने तो इनिटियो बोला था तो इनिटियो ही हो। जी मैम ये रिकमेंड करी थी मैंने साउथ ब्रू कॉफी, इधर से हमने लिए एक तो कोल्ड कॉफी हेजलनट और कैपेचिनो। अब टेस्टर्स बताते हैं जी हम कोल्ड कॉफी का टेस्टर्स। नाइस और शॉपिंग भी है, 2 घंटे में शॉपिंग कर सकती हूँ मैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो शॉपिंग हो जाएगी। चलो अब हॉट कॉफी का टेस्ट। कितने नेगेटिव हो तुम लोग। चलो हॉट कॉफी यंग वाइब्स आ रही है यहाँ चुका। ऋषभ की अभी हॉट कॉफी आ रही है और ऐसे लग रहा है वापस कॉलेज में चले गए हम लोग। मेरे को लग रहा है मैं पढ़ी होगी। यस चलो इतना टाइम लग रहा है चाची क्या हो गया। अच्छा हेलो हाउ इज इट निशिता जी की टेस्ट है कोल्ड कॉफी का। माय टाइप स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। अच्छी है। सना को हॉट चॉकलेट मिल चुकी है। कैसी है हेवन? तूने पहले क्रेजी फैम ने कुछ ऑफ कैमरा बोला, वो हम ऑन कैमरा सुनवाना चाहेंगे आपको। कि वो मेरी कॉम्प्लीमेंट क्रेजी फैम कमेंट करके बताएगी। बताओ कॉम्प्लीमेंट था बिल्कुल। वो जैसे टीवी सीरियल्स में या मूवीज में वो घूमने जाती है ना लंदन घूमने, एंड जो उनका आउटफिट वगैरह होता है ये देख लेगा क्रेजी फैम। ये मुझे समझ गया। और अभी हम कॉम्प्लीमेंट है, अब हमने चिली गार्लिक नूडल्स कर दिए हैं शेजवान सॉस के साथ। ग्रेजी फैम ऋषभ दी ग्रेट अब टेस्टर्स देगा पनीर मोमोज का। चलो चाची आप नहीं खा रहे, सना आप खा रहे हो? इट्स सर्वाइव इट्स सर्वाइव। हाउ इज इट? ओके ओके थोड़े से ठंडे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज ठंडी है क्योंकि ये देखो फुल वाइब में कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ के पास ब्राउन शुगर पे आए हैं सोयाबीन खाने मोमो सना और मैं, क्योंकि सोयाबीन मोमो खाते हैं और मेरे को लग रहा है देखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है, बाकी अभी देखते हैं। यदि हम चाची की फेवरेट चीज़ आ गए नूडल्स, ये दिन रात नूडल्स खा सकती हैं। कैसे निशिता? अभी खाया नहीं। दोनों टेस्टर्स देंगे। कैसा है? बहुत बढ़िया मस्त। क्रेजी फैम अब आ गए हैं मोमोज, मोमोज टेस्ट करो। मैं नहीं। चलो स्प्रिंग रोल टेस्ट टेस्ट देते हैं। सही है अच्छे हैं। बात है स्प्रिंग रोल का टेस्ट टेस्ट। चलो चाची दे रही है सॉरी। सना खा रही है आखिरकार खा ही लिया अब पता चला कि ये चौमिन वाले। जिन जिन को नॉस्टैल्जिया फील करने देखो कॉलेज की कैंटीन। मैं तो कहीं नहीं मैं नॉस्टैल्जिया कैसे हम पे तो है ही ना मोए मोए हो गया मोए। ये देख वी आर मिसिंग यू मेरी फैम। कैंटीन का पनीर रैप खाया जा रहा है अभी टेस्ट कर ले। हां जी कैसा? मस्त है। मैं ठीक हूं। जब इसकी आंखें गोटियों की तरह घूम जाए ना दीदी मैम कैंटीन की कॉफी ऋषभ कह रहे हैं सबसे अच्छी है। टपरी वाली मस्त। A few moments later हम ये परमीश वर्मा की रूबीकॉन है देखो। ओजी रूबीकॉन पता चल जाती है। गाड़ी देखने के आए हम स्पेशल पीछे। अभी हम आगे जाने का जुगाड़ कर रहे हैं ऋषभ। थैंक यू सो मच यार बस ये करा देगा। कोशिश कर रहे हैं ये देखो ये परमी 0003। सियाने बच्चे बन के रहना नहीं तो उन्होंने मैनू कह देना देखो मैडम मैं कह रहे नहीं क्या मैं क्या करूं। और तू सारे ठीक हो पिछे वाले हाथ खड़े करके दिखा दो। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹਾਂ ਨੈਵਰ ਰੀਲੀ ਗੋਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਕਾਲਜ
बट आई वुड रियली रेकमेंड सारे जाने मेहनत करके पढ़ियो अपने माँ प्यो का नाम रोशन करियो नाल इंजॉय भी करते रहो बट बी रिस्पोंसिबल बी रिस्पोंसिबल ठीक है बी रिस्पोंसिबल नाउ सो दैट यू कैन बी फाइनेंशियली इररिस्पोंसिबल लेटर लव भाई सारी सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट है एक सेकंड एक मिनट बोलो ना मेरी गल सुन लो एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੋ ਦੋ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋ ਦੋ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ यार थैंक यू सो मच ये है दैट ड्रीम कम ट्रू ड्रीम पर तो दिल लग रहा है पर वो गाल नहीं कटने नहीं गया यार लेकिन ऋषभ यू किल्ड इट ब्रो यू किल्ड इट क्रेजी मैम देखो हम इधर खड़े थे स्टेज के बाहर इसकी वजह एंटर बोला कि नाराज मत होना अगर हो पाया नहीं तो यार पर बहुत अच्छा इवेंट्स वेंट वेल बिकॉज़ ऑफ ऋषभ वीवीआईपी जैसे मिला यस थैंक यू सो मच खुशी वी आर मिसिंग यू एक बार बैक स्टोरी बता दो प्लीज क्या थी खुशी जी जी ने एक्चुअली 20 दिन हमें अभी आके पता चला कि खुशी का भी प्लान था उन्होंने 20 दिन पहले से बोला हुआ था ऋषभ भैया को कि मैं आना चाहती हूँ और फिर एंड में उनका प्लान बन गया ये बदतमीज है खुशी मैंने मैंने सच में तुझे मिस किया पागल है दोनों
फैम आप फेस्ट से डायरेक्ट आ गए हैं हम सानी पे खाने, और ये ऋषभ की डिमांड पे आए हैं, ऋषभ की डिमांड पे आए, ये रहा ऋषभ, हम किसी की डिमांड पे ही आते हैं, हम अपने आप कुछ नहीं करते, डिमांड होती है, कह रहा था घर नहीं जाऊंगा, वहां से जा रहे हैं बार बार, लेकिन ऋषभ थैंक यू सो मच आज के लिए, अरे ब्रो एनीथिंग एनीथिंग फॉर क्रेजी फैम, और ये कह रहा था घर नहीं जाऊंगा जब तक पहले सानी की पार्टी कराऊं, टेस्टेस फिश खाई जा रही है अभी अमृतसर की फिश, इसका हर खाना अच्छा होता है सानी का, बहुत अच्छा मजेदार बिल्कुल, वो सना डॉगी की वजह से बाहर नहीं आ रही है, और निशिता पी रही है स्प्राइट, आ चुकी है अब आ चुकी है तंगड़ी, ऋषभ की डिमांड पे ही है ये भी तंगड़ी, सारी चीजें ऋषभ की डिमांड पे, अब तंगड़ी आ रही है, थोड़ी देर बाद नहीं नहीं जल्दी करो, हेलो चाची कैसा है लेग पीस, बस क्रेजी फैम जिस चीज का इतने दिनों से इंतजार था, चिकन टिक्का, ओ कैसा ऑसम, चलो अब ये निशिता टेस्ट देगी, और अकेली वेजिटेरियन है हमारे साथ, नहीं कब जाने ये चाची, वही वाइब में ही चल रही है अभी तक परमीत वर्मा जी के, अरे मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने गाल नहीं कटनी नहीं गाया यार, मैं मुझे मतलब एक एक गाना उनका जो मेरा फेवरेट है वो था, बट वो नहीं गाया, पर कोई बात सब नहीं, सब डिसअपॉइंट होके गए हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो गा लेते तो एक क्या हो जाता यार, पता नहीं क्यों नहीं गाया, अरे उनको ना फ्लाइट थी ऋषभ बता रहा, उनकी फ्लाइट थी, बट ये गाना मस्त था, ये गाना चाहिए था, बट फिर भी बहुत मजा आया, मैं बात करता हूं उनसे, बहुत हाँ भी कर ले फोन कर ले, फिर वो कहीं ऑफ हो जाए फोन, मैम अब ये खाया जा रहा है क्या, फिश फिंगर, फिश ऑनली, क्या है फिश ऑर्डर, सो सॉरी क्रेजी फैम, मेरे को पता नहीं था, देखने में फिंगर्स लग रहे थे इसलिए बोला, फैम ये देख लो डेडिकेटेड बच्चा आ चुका है हमारे साथ, पढ़ाई वढ़ाई सब करके अब चल रहे हैं घर, अब मिलते हैं आपसे घर पे, क्रेजी फैम आ चुके हैं वापस, और शौर्य के लिए भी कुछ ले आए बढ़िया सा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पढ़ रहा था बच्चा, तो उसके लिए पढ़ाई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, कोई नहीं ब्लॉग ब्लॉग देख लेगा और वीडियो देख के खुश हो लेगा, आज का शाउट आउट जाता है खुशी शिवरे को, थैंक यू सो मच बच्चा, इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हो, जो जो कमेंट करते हैं ना सब हमारे दिल के करीब है, इतने मतलब दिल से कनेक्टेड होना आप लोग कि बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब देना, इसी तरह हमें लाइक करते रहो, और चलो एंडिंग करें, चलो नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड फेयर टू प्रेस द बेल आइकन, पीस।